अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग सीरम बनाना बताऊंगी। ये जो सीरम है ये स्पेशली विंटर के लिए है। अब इसका विंटर में इस्तेमाल करें तो ये आपको जो आपकी स्किन जो है वो डल और ड्राई सी हो जाती है। अक्सर विंटर में हमारा कलर जो है वो काफ़ी डिम हो जाता है, तो अगर आप इस सीरम का वाइटनिंग सीरम का इस्तेमाल करें तो आप आसानी से अपना जो कलर है उसको फेयर बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग और सॉफ्ट सी बनेगी, लाइक बेबी सॉफ्ट। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने जो ये सीरम है ये घर में तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसमें सिर्फ जो है हमने तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और ये तीनों चीज़ें हमारी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और फेयर बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन सी हैं। तो इनका इस्तेमाल ज़्यादातर विंटर में ही किया जाता है और इससे हमारी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी रहती है। विंटर में हमें जो ज़्यादातर जो केमिकल वाली क्रीम्स हैं लड़कियाँ वो यूज़ करती रहती हैं। तो इस सीरम के बाद आपको किसी और केमिकल वाली क्रीम्स की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बेहतरीन सी एक किस्म की ये नेचुरल जो है वो हम सीरम तैयार करेंगे। इसका कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जो है इसे लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चलें हम शुरू करते हैं, किस तरह से आपने इसे बनाना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है वैसलीन लोशन। ये जो है ये कोका रेडिएंट है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें जो है कि यही वाला यूज़ करें। एक और जो पिंक कलर में आता है वो वाला जो आप यूज़ ना करें, ये ज़्यादा जो है हमें अच्छा रिज़ल्ट देता है। मैं खुद भी यही यूज़ करती हूँ, इसी वजह से मैं आपको भी जो है वो यही रिकमेंड कर रही हूँ। तो हमने 1 टेबल स्पून ये वाला लोशन लेना है, वैसलीन लोशन। एक बार फिर से जो है वो आप इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद जो हम इसमें दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने लगे हैं वो है विटामिन ई वियॉन के कैप्सूल। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं ये हम यूज़ करेंगे। ये दोस्तों इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, आप इन्हें ले लें। हम इसमें जो है सिर्फ एक जो है विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने इसका लिक्विड जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें जो तीसरी चीज़ यूज़ करने लगे हैं दोस्तों वो है ये रोज़ वाटर, अके गुलाब। ये हम यूज़ करेंगे, ये हमारी स्किन को फ्रेश बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप वैसे भी डेली रूटीन में भी कोशिश किया करें कि रोज़ वाटर का स्प्रे जो है अपने चेहरे पर किया करें, इससे हमारी स्किन जो है वो काफ़ी फ्रेश रहती है। ये हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ये भी जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप चेक कर लें, इस तरह से ये नज़र आएगा आपको। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सा सीरम है हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप जो है इसका इस्तेमाल नहीं रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, इसके कोई जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इसको लगा के बाहर भी जा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपने इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। इस तरह से लगा के ये अच्छी तरह से आपकी जो स्किन में जज्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरी स्किन में जो है बिल्कुल जज्ब हो गया है और ये बहुत ही बेहतरीन सी जो है इसकी खुशबू भी मुझे आ रही है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी टिप्स जो है वो कैसी लगी हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।